जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। टुडे आवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, द यूज़ ऑफ देयर। व्हेन वी यूज देयर, हम देयर का इस्तेमाल कब करते हैं? द डेफिनेशन ऑफ देयर इज दैट व्हेन वी डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो सब्जेक्ट अपीयरेंस इन द सेंटेंस, देन वी यूज देयर, वी अज्यूम सब्जेक्ट देयर इन द सेंटेंस एट द स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब जुमले के अंदर हमें बज़ाहर कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता तो हम देयर को वहाँ बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमरे में आठ कुर्सियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड दैट वेदर दिस सेंटेंस इज इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो कमरे में आठ कुर्सियां हैं, द वर्ड आठ और हैं ये शो कर रहा है, और कुर्सियां ये शो कर रहा है कि ये जो जुमला है ये जमा फॉर्म में है, यानी प्लूरल सेंस में लिखा हुआ है। इसमें अब क्या लिखेंगे, फोर चेयर्स आर इन द रूम, ये रॉन्ग है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये रूल रॉन्ग है। तब जब ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें लगे कि जुमले के अंदर बज़ाहर कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तब हमने देयर को बतौर सब्जेक्ट यूज करना है। देखें कैसे, देयर आर एट चेयर्स इन द रूम, तो कमरे में आठ कुर्सियां हैं। देयर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट व्हेन वी फाइंड देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन वी यूज, वी अज्यूम देयर एज अ सब्जेक्ट in the sentence, in the beginning of the sentence. The next one is, दरिया में कोई कश्ती ना थी। अब ये जो थी आ रहा है ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है, और इसमें फिर आपने यही देखना है कि ये जुमला ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। फिर आपने ये देखना है ये जुमला सिंगुलर है या प्लूरल। अगर ये जुमला सिंगुलर है और इसके अंदर कोई टेंस नहीं है, एक्शन नहीं है, तब आपने इन सेंटेंसेस को हम नॉमिनेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दरिया में कोई कश्ती ना थी, तो नो बोट वॉज इन द रिवर, ये रॉन्ग है। हमने क्या यूज करना है फिर, देयर, देयर वॉज नो बोट इन द रिवर। तो दरिया में कोई कश्ती ना थी, यहां पे ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है। हाँ जी, आपको ये मैं बताते चलूं, इज एम आर वॉज वर, वॉज वर पास्ट के लिए यूज होते हैं, इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर, ओनली फॉर वन पर्सन प्लेस और थिंग। माय सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय पेन इज वेरी ब्यूटीफुल,
इसका इस्तेमाल। इसी तरह आर जो है, आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल, आर जमा के लिए यूज होता है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि कमरे में 8 कुर्सियां हैं, तो आर जमा के लिए यूज कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, इसमें आर कैसे आएगा? वी आर गोइंग टू लाहौर, दे आर ईटिंग मील, देयर आर सो मैनी पीपल गैदर्ड इन द हॉल, हॉल में बहुत से लोग जमा हैं, तो आर हम तब यूज करेंगे। इसी तरह वॉज पास्ट के लिए, वर पास्ट के लिए है। वॉज जो है ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वर जो है ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता, दरिया में 6 कश्तियां थीं, दरिया में बहुत सी कश्तियां थीं, तो फिर क्या हो जाएगा? देयर वर सो मैनी बोट्स इन द रिवर, दरिया में बहुत सी कश्तियां थीं। तो यूज ऑफ देयर का सिर्फ इतना सा इस्तेमाल है कि जब आप देयर को तब इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, जब आपको लगता है कि जुमले के अंदर हमें सब्जेक्ट बजाहर दिखाई नहीं दे रहा, तो तब आपने अपना सब्जेक्ट देयर यूज करना होता है। अंडरस्टैंड? होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी, अल्लाह हाफिज़।